जब शादी होती है तो दो जिस्मों का मेल होता है, दो आत्माओं का भी मेल होता है। लेकिन अगर क्या हो, जब शादी होने के बाद किसी एक पार्टनर के बारे में पता चले कि यह नामर्द है, नाकामयाब है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस पार्टनर के ऊपर आरोप लगाए जाएं, आरोप लगने के बाद भी और कोई गलत निकलने के बाद भी घर बिगड़ते हैं। आज की घटना में अब यहाँ पर पता चलेगा कि आरोप लगाया गया या फिर सच में ही ऐसा था। पति नामर्द था, इसलिए भाभी पड़ोसी युवक को घर बुलाकर उसके साथ संबंध बनाया करती, हवस को मिटाया करती। और फिर एक दिन ऐसा होता है, एक लाश बिछती है बड़ी ही बेदर्द तरीके से। आखिर क्या होता है, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना हरियाणा के करनाल के शेखपुरा गाँव की है। शेखपुरा गाँव के अंदर गफ्फार नाम का एक व्यक्ति रहा करता है और उसकी शादी 6 साल पहले हुई है। पत्नी का नाम तमन्ना है। गफ्फार का एक छोटा भाई है आजम, जो कि अब तमन्ना का देवर लगेगा। दोस्तों, शादी 6 साल पहले हो चुकी है। शादी के 1 साल बाद से ही जो गफ्फार की पत्नी थी तमन्ना, उसको लगा कि उसका पति गफ्फार नामर्द है। और फिर वह एक पड़ोसी होता है रोहित, उसके प्यार में फंस जाती है और उसके साथ चाल चलन उसका चल जाता है गंदे वाला, संबंध बनाने लगती है। अब दोस्तों, इनके संबंध बनने लगते हैं शादी के 1 साल बाद से ही, और फिलहाल शादी के 6 साल गुजर चुके हैं। गफ्फार और तमन्ना के 2 बच्चे हैं। 2 बच्चों में से एक बच्चा भी रोहित का ही है, यानी कि उस लड़की तमन्ना के प्रेमी का है। अब यहाँ पर जो पति होता है गफ्फार, उसको भी पता लग चुका था कि उसकी पत्नी क्या गुल खिला रही है। 1-2 बार उसने कहा भी था, लेकिन पत्नी नहीं मानती है तो गफ्फार करता भी क्या। अब यहाँ पर जब गफ्फार मना करता है तमन्ना से कि तू ऐसा काम मत कर, तो तमन्ना और रोहित दोनों प्रेमी के प्रेमिका मिल करके अब गफ्फार को मारने की प्लानिंग भी बनाते हैं और उसके खाने में चूहे मारने की दवाई डाल दी जाती है। लेकिन गफ्फार जैसे ही वह खाना खाता है, उसको उल्टियां हो जाती हैं और सारी दवाई जो पेट में गई थी वह वापस निकल आती है और उसकी जान बच जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक बार कोशिश उसको मारने के लिए कर ली गई थी। अब धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता है। अब एक दिन क्या होता है, पति गफ्फार शहर गया हुआ था, घर में कोई नहीं था, तो तमन्ना अपने प्रेमी रोहित को बुला लेती है संबंध बनाने के लिए। दोनों संबंध बना रहे थे, तभी अचानक से गफ्फार का छोटा भाई आजम, जो तमन्ना का देवर लगता है, वह घर में आ जाता है और तमन्ना अपनी भाभी को पड़ोस के लड़के रोहित के साथ संबंध बनाते हुए नग्न हालत में देख लेता है। अब वह गुस्से से बेकाबू हो जाता है, अपनी भाभी तमन्ना को धमकाने लगता है, पड़ोसी रोहित को भी धमकाने लगता है। लेकिन यहाँ पर रोहित इमोशनल ब्लैकमेल करता है उस आजम देवर को। वह उसके सामने ही अपने हाथ की नस काट लेता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और नहीं मैं मर जाऊँगा, देखो मेरा खून निकल रहा है। उसके बाद दोस्तों, जो आजम होता है वह थोड़ा सा सस्पेंस में पड़ जाता है और रोहित उसको चूतिया बनाकर एक तरह से वहाँ से निकल जाता है। थोड़ा सा इमोशनल उसको ब्लैकमेल करता है और कहता है कि मैं मर जाऊँगा, मेरी बदनामी हो जाएगी। वहाँ से निकल जाता है और अब जो भाभी होती है तमन्ना, वह अपने मायके चली जाती है। दोस्तों, वह मायके चली जाती है तो वहाँ से बात करती है तमन्ना रोहित से कि यह तो बड़ा गलत हुआ, आजम ने देख लिया, किसी न किसी दिन तो यह खुलासा कर ही देगा, क्यों ना इसको रास्ते से हटाया जाए। तो रोहित कहता है कि वह बड़ा इमोशनल हो गया था जब मैंने अपने हाथ की नस काटी थी, तो उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके ही मारेंगे। तो तमन्ना अपने देवर जिसका नाम होता आजम, उसके पास फ़ोन करती है मायके में से बैठी हुई कि आजम तुम ऐसा करो, रोहित के पास चले जाओ, वह तालाब के किनारे बैठा है, वह डूबने के लिए जा रहा है, उससे गलती हो गई और वह इस गलती का प्रायश्चित करना चाहता है। आजम, जो कि सीधा साधा था बेचारा, अपनी भाभी की बातों में आकर के तालाब के पास चला जाता है। वहाँ पर रोहित पहले से ही घात लगा कर बैठा था। जैसे वहाँ पर आजम पहुँचता है, वह आजम का गला दबा कर उसको पहले तो मार देता है और फिर उसकी लाश को वहीं पर डाल देता है। दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होता है, जब आजम नहीं मिलता है घर वालों को और गांव वालों को, उसकी लाश तालाब के किनारे मिलती है तो पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। खुलासा होता है कि गला दबाकर मारा गया है। पुलिस घर वालों से पूछती है तो मैं किसके ऊपर शक है, तो घर वाले किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन घर वाले तमन्ना और रोहित के लव अफेयर के बारे में बता देते हैं, उनके फ़ोन नंबर वगैरह दे दिए जाते हैं।
पुलिस पहले सीडीआर लोकेशन वगैरह निकालती है तो पुलिस को पता चलता है दोनों के प्रेम प्रसंग हैं। और जहां पर लाश पड़ी हुई मिली थी आजम की, वहीं पर रोहित के फ़ोन की लोकेशन भी बोल रही थी, सीडीआर लोकेशन से पता लगाया था। तो सीधा पुलिस तमन्ना रोहित को उठा लेती है और उनसे कहती है कि तुमने उसको क्यों मारा, आजम को। तो ये दोनों राज खोलते हैं और कहते हैं कि हमें उसने संबंध बनाते हुए देख लिया था, इसलिए हमने उसका कत्ल कर दिया, रास्ते से हटा दिया। इन दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। दोस्तों, एक बेकसूर इंसान की जान चली गई, मौत कोई और ले रहा था, जान किसी और को देनी पड़ी। ऐसा होता है इन गलत चक्करों के चक्कर में पड़कर। तो कभी भी इन गलत चक्करों में ना पड़े, जिंदगियां तबाह होती हैं, अपनी नहीं तो दूसरे की तबाह हो जाएगी, और नहीं तो अपनी भी होती है दूसरे की भी होती है। यहां पर तमन्ना और रोहित की ज़िंदगी अब जेल में कटेगी और जो आजम था देवर वह बेमौत मारा गया। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।